पहला विजयवर्गीय का बयान, पश्चिम बंगाल में बनेगी बीजेपी की सरकार। बुरहानपुर से दानिश रजा खान। जी हां, हम आपको बता दें कि कैलाश विजयवर्गीय ने मीडिया से कहा कि बंगाल में बनेगी बीजेपी की सरकार और पीएम नरेंद्र मोदी को बंगाल की जनता करेगी पसंद, और कहा कि 200 सीटों से अधिक सीटों पर बीजेपी की जीत का कैलाश विजयवर्गीय ने किया दावा। और खंडवा सांसद नंद कुमार सिंह चौहान के निधन पर श्रद्धांजलि देने पहुँचे सांसद नंद कुमार सिंह के गाँव ग्राम शाहपुर में कैलाश विजयवर्गीय। देखिए, 200 सीट का हमारा लक्ष्य है और इसके आसपास ही हम जीतेंगे। सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी, भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनेगा। बंगाल की जनता मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर विश्वास कर रही है। तो लोग चाहते हैं कि सोनार बंगला बने, एक ऐसा बंगला बने जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने जिसका सपना देखा था, स्वामी विवेकानंद ने जिसका सपना देखा था, ऐसा सोनार बंगला बनाना चाहती है जनता और विश्वास मोदी जी पर, भारतीय जनता पार्टी। ममता बनर्जी नेमीग्राम से खड़ी हुई, क्या कहना है? देखिए, भवानीपुर से अगर वो खड़ी होती तो हारती। उन्होंने सोचा कि शायद नंदीग्राम से मैं जीत जाऊँ ग्रामीण क्षेत्र, और वहाँ पर भी लगभग 50,000 वोट से हारे। आज की जो परिस्थिति है, भैया नंदू भैया, बताया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी बंगाल में सरकार नहीं बना रही है, इसको लेकर आप क्या कर रहे हैं? बना रही है नहीं बना रही वो ममता जी कह रही है, जनता कह रही बना रहे हैं। एग्जिट पोल कहाँ सही होते हैं? पिछली बार एग्जिट पोल ने हमको लोकसभा में 8 ही सीट दी थी, हम 18 सीट जीते। एग्जिट पोल हमारी 120 सीट बता रहे हैं, उसके हिसाब से हम 8 से 18 जीते तो हमारी 240 सीट हो रही है। जब उन्होंने 8 दी थी सीट तो हम 18 सीट जीते, अभी हमारी 120 बता रहे हैं, उसके हिसाब से हम 250 सीट जीते।